पाकिस्तान की लाहौर स्थित दाता दरबार दरगाह के बाहर बड़ा धमाका हुआ, जिसमें अब तक 8 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। इस हमले में जान गंवाने वाले 3 पाकिस्तान पंजाब पुलिस के एलिट फोर्स के कमांडो हैं, जबकि 1 सुरक्षा गार्ड और 1 आम नागरिक बताया गया। इसके अलावा इस हमले में 25 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। दाता दरबार एक सूफी दरगाह है और इस हमले में घायल हुए लोगों को मयो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से 7 से 8 घायलों की अभी भी हालत नाजुक बताई गई। इस हमले के बाद दाता दरबार को चारों ओर से घेर लिया गया और साथ ही दाता दरबार को बंद कर दिया गया। जायरीनों को दाता दरबार नहीं जाने की सलाह दी गई। ये धमाका रमजान शुरू होने से 1 दिन बाद सामने आया है और फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर इस हमले के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर किसी भी आतंकी संगठन ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी नहीं ली है। ये घटना लाहौर के दाता दरबार के बाहर धमाका हुआ। 4 सुरक्षा बलों समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इस हादसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।